इनके बाप दादा ये लगा है ये लोग आदमी माया चुप रहो आप करिए ये देखिए ये अली आसाद खचोली सैफ और ये लड़का इन लोगों ने देखिए जबड़ा टूट गया मर जाओगे तब जब गांव पकड़ेगा हमें मार दे गोली मार दे पूरी जमीन हमारी गिरा दी पूरा घर गिरा दिया हमारा चिल्लाओगे वो तो सड़ रहा है अब सड़बो तुम लोग अतीक अहमद को सड़ रहा है अतीक अहमद को नाम हुआ तमीज चले देखिए पूरा प्लाट गिरा दिया कब्जा करने के लिए ये खुलेआम हमारी पुश्तैनी जमीन पुलिस के सामने गुंडागर्दी और खुलेआम धमकी बेखौफ होकर दबंग गए एक तरफ अतीक साबरमती जेल में है अपने किए की सजा भुगत रहा है तो वहीं इस बीच उसके बेटे की गुंडई का एक और वीडियो सामने आया है इस वीडियो की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले एक बार फिर सुनिए अतीक का बेटा पुलिस के सामने ही कैसे खुलेआम दादागिरी दिखा रहा है इनके बाप दादा देखिए अतीक अहमद के आदमी सैफ माया चुप रहो सब पहले अंदर देखिए उसकी स्थिति देखिए रुक जा बात देख रहे रुक जाओ गाड़ी चक्री सर वो तो सर देखिए तुम लोग निपट लिए होते नहीं सर आप करिए ये देखिए जबड़ा टूट गया अली आसाद खचोली सैफ और ये लड़का इन लोगों ने देखिए जबड़ा टूट गया सब पूरा घर गिरा दिया देखिए बाकी लोग हटो यहाँ से सब वीडियो बनाओ वीडियो जरूरी है हाँ। चल रहा है ना मर जाओगे तब जब गांव पकड़ेगा मार दे मार दे गोली मार दे पूरी जमीन हमारी गिरा दी पूरा घर गिरा दिया हमारा चिल्लाओगे बाप दादा जी बताओ चलो वो तो सड़ रहा है अब सड़बो तुम लोग अतीक अहमद को सड़ रहा है अतीक अहमद को नाम हुआ तमीज चले देखिए अतीक अहमद गुंडों ने पूरा प्लाट गिरा दिया कब्जा करने के लिए ये खुलेआम हमारी पुश्तैनी जमीन अतीक अहमद के लड़के और उनके सब लोगों ने देखिए पूरा प्लाट गिरा दिया हमारा कब्जा करे सबको बुलाओ इस वीडियो में अतीक का बेटा जीशान नाम के जिस शख्स को खुलेआम धमकी दे रहा है वो अतीक अहमद का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है इस धमकी और तोड़फोड़ के बाद जीशान ने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी उस एफआईआर में अतीक के बेटे अली असद इमरान उर्फ गुड्डू के नाम है अतीक के रिश्तेदार जीशान ने इस मामले में साल 2021 में कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई थी पीड़ित जीशान अतीक के साड़ू के भाई असाद कालिया जो अतीक अहमद का सबसे फाइनेंसर बड़ा गुर्गा है असाद कालिया और अतीक अहमद मिल के देखिए कितने बड़े पैमाने बना रहे हैं आप खुद देख सकते हैं पीडीए को पता नहीं है बात या तो पता नहीं क्या है आप देख रहे हैं एक 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 फ्लैट की कीमत डुप्लेक्स कीमत कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए है आप देखेंगे जिस दिन से उमेश पाल जी का मर्डर हुआ उस दिन से देखिए इसमें काम रुका हुआ है गिट्टी विट्टी पड़ी हुई है पेंटिंग हो रही थी सब काम रुक गया है ठीक है ये 20 इस तक 20 भूखंड बन रही इधर बने देखिए इधर बनना शुरू हो गया काम रुका हुआ ये बन रहा था तो कहने का मतलब है कि जब तक ये इस पर पीडीआर की जाँच करे ये मैं बता रहा हूँ आपको ये मेरा बयान नोट करिए ये दलितों की जमीन है इस पर आसाद काल और अतीक अहमद मिल के बना रहे हैं अब समझिए जब 20 ये जब 20 ये भूखंड बिकेगा डुप्लेक्स बिकेगा तो 40 से 50 करोड़ रुपए अतीक अहमद पास पहुंच जाएगा अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से आसाद कालिया आप जैसे अतीक अहमद के गुर्गे हैं ना वैसे अतीक अहमद ने जैसे आसाद कालिया को अध्यक्ष बना दिया अब उसके नीचे कई गुर्गे हैं दलित अच्छा यहाँ आ जाए तो आसाद कालिया की गोली खा जाए बन करके इसी में मारते हैं
इसलिए खौफ की वजह से कोई शिकायत नहीं करता जमीनों पर अवैध कब्जे करते हैं। 6-7 सालों जब से आसाद कालिया ने अतीक अहमद का कारभार संभाला तो पूरे मिस्सो हो गया कि वो आसाद कालिया छठा बेटा है अतीक अहमद का। अच्छा। उसकी बीबी खुद साजिदा परवीन कहती है कि वो मेरा छठा बेटा है, बहुत ईमानदार है। तो लूट का माल शैतान को पसंद है और लूट का माल डाकू आसाद कालिया डाकू है और वो अतीक अहमद को जो भी कह लीजिए उसको हड़प कमाल चाहिए, रंगदारी कमाल चाहिए। सुना आपने अतीक के रिश्तेदार जीशान ने जो खुलासे किए, अतीक और उसके गुर्गे गरीब दलितों की जमीन पर कब्जा कर उसे कौड़ियों में जबरन खरीद लेते थे और उस पर निर्माण कर उसे करोड़ों में बेच डालते थे। अतीक के बेटे की गुंडाई का वीडियो वायरल होने और पीड़ित जीशान की शिकायत के बाद अब इस मामले में प्रयागराज पुलिस अतीक से साबरमती जेल जाकर पूछताछ कर सकती है। इस मामले की वजह से अतीक और उसके बेटों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी कह ही चुके हैं कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। टाइम्स ऑन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।